अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ कैनेप चाट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है। 2 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। किस तरीके से इसको बनाएंगे, अभी जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। एक प्याज, उसको भी मैंने बारीक चॉप किया है। एक खीरा, उसको भी चॉप कर लिया है। आधा यहाँ पर मैंने लिया है नींबू। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पर आलू भुजिया, इसकी जगह आप मोरा सेव भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पर धनिया, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3/4 टीस्पून लिया है मैंने नमक। 1/2 टीस्पून लिया है काली मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने जीरा पाउडर। अब हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा उसमें खीरा, ये डाल देंगे हम इसमें। फिर जाएगा प्याज और इसमें जाएगा टमाटर, और जो धनिया लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे, और जितने भी हमने पाउडर मसाले लिए वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें नींबू डाल देंगे, स्क्वीज कर देंगे इसे। और ये लिया है मैंने कैनेप, ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी इंग्रेडिएंट जो हमने लिया है इनको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि मसाला और जो नींबू का रस हमने इसमें डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सभी मसालों का फ्लेवर इस वेजिज में अच्छे से आ जाए। तो मिक्स यहाँ पर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको कैनेप्स में भर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैनेप्स में इसको जब ही भरें जब आपको खाना है, नहीं तो कैनेप बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, वो क्रश नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जो वेजीज है इसमें बहुत मॉइस्चर है। अब यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप, ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो 3 में मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप लगा रही हूँ, 3 वैसे ही रखूँगी। तो अब सभी कैनप्स को हम इससे फिल कर लेंगे इस तरीके से। अभी सभी कैनप्स को हमने फिल कर दिया है। अब ऊपर से जो हमने आलू भुजिया लेकर रखी थी उसकी टॉपिंग कर देंगे। तो लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल कैनेप चाट बनकर हमारी तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।